हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रग पार्ट सेकंड के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रग पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं फोलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू में ऑक्सीटोसिस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस में थ्री ग्रुप ऑफ मेडिकेशन वर्क करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड है आर्गन डेरिवेटिव एंड थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन। आज इन्हीं थ्री मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे जो ऑक्सीटोसिस के अंतर्गत आती हैं। अब इनके इंडिकेशन क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, इनके रूट क्या है, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक नेचुरल हार्मोन्स है। नेचुरल हार्मोन्स इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है, इसीलिए इसको नेचुरल हार्मोन्स कहा जाता है। कहाँ से सीक्रेट होता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन नेचुरल हार्मोन्स है और ये ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, तो ये सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होता है। इसके साथ ही इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, स्टोरेज होता है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक नेचुरल हार्मोन्स होता है, और इसका जो स्टोरेज होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, और इसका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। तो जो ये स्टोर कर रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टोर की रहती है और जैसी बॉडी की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। लेकिन ड्यूरिंग लेबर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो जो नेचुरल हार्मोन्स है वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये हमको सप्लीमेंट्री के रूप में जो फीमेल्स होती हैं उनको देना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन होता है इसके सिंथेटिक प्रिपरेशन कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है सिंटोसिनोन। ये जो सिंटोसिनोन है ये इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है, और इसको आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं। सिंटोसिनोन जो होता है वो 1 ml के एम्पुल में अवेलेबल होता है, जिसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। नेक्स्ट इसका जो ऑक्सीटोसिन का सिंथेटिक प्रिपरेशन है वो है पिटोसिन। पिटोसिन जो होता है ये भी इंजेक्शन फॉर्म में ही होता है, और इसको हम आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 1 ml एम्पुल में ये अवेलेबल होता है, जिसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। थर्ड है, जो थर्ड सिंथेटिक प्रिपरेशन है ऑक्सीटोसिन का वो है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन में दो मेडिसिन है। देखिए जो यहाँ पे सिंटोसिनोन है इसमें 100% ऑक्सीटोसिन है, और जो पिटोसिन है इसमें भी 100% ऑक्सीटोसिन है, लेकिन जो सिंटोमेट्रिन है सिंटोमेट्रिन में 50-50 है। मतलब जो सिंटो आप देख रहे हैं, सिंटो का मतलब है सिंटोसिनोन मतलब ऑक्सीटोसिन, और जो मेट्रिन है मेट्रिन का मतलब होता है अर्गोमेट्रिन। तो यहाँ पे दो मेडिसिन है, जो सिंटो है ये 5 इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल होती है इसमें, और जो अर्गोमेट्रिन है ये 0.5 mg की डोज में अवेलेबल होती है। ये जो सिंटोमेट्रिन है ये दो मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। इसको हमेशा आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। प्रिपरेशन देख रहे हैं ये सभी ऑक्सीटोसिन के सिंथेटिक प्रिपरेशन है। अब हम देख लेते हैं इसका इंडिकेशन, मतलब ऑक्सीटोसिन में हम पढ़ेंगे इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो पहले हम देख लेते हैं इंडिकेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो ऑक्सीटोसिन है उसका यूज हम कहां कहां पे करें। फर्स्ट है इसमें फॉर द
इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, मतलब जो एबॉर्शन का प्रोसेस है उसको करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड सेकेंड है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर का प्रोसेस है उस दौरान भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड थर्ड है फॉर द एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रा टीडीफॉर्म मोल। हाइड्रा टीडीफॉर्म मोल जो है इसका मतलब होता है कि जो यूट्रस है उसमें किसी मास का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अगर प्लासेंटा है तो ये मान लीजिए प्लासेंटा है तो प्लासेंटा के सराउंडिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में मोल का फॉर्मेशन हो जाना, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रा टीडीफॉर्म मोल। या फिर ऐसे भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक तरफ प्लासेंटा डेवलपमेंट हो रहा है, प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दूसरी साइड क्या होता है कि एक स्मॉल फॉर्म ऑफ ट्यूमर या फिर मॉस उसका फॉर्मेशन होता रहता है, इसी को बोला जाता है हाइड्रा टीडीफॉर्म मोल। तो अगर इसका एक्सपल्सन है तो उस समय भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं लेबर। हम इंडिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले पढ़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग लेबर। तो फर्स्ट है इसमें फॉर द एसिलेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। एंड सेकेंड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच, मतलब जो पीपीएच का पोस्टपार्टम हेमरेज का थर्ड स्टेज है उसको ही ट्रीटमेंट के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख लिया, ड्यूरिंग लेबर देख लिया, अब हम देखेंगे ड्यूरिंग प्यूपेरियम। ड्यूरिंग प्यूपेरियम में फर्स्ट है फॉर द कंट्रोल ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब जो यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है उसके कंट्रोल के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं ड्यूरिंग प्यूपेरियम। एंड सेकेंड है फॉर द ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, अगर ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड सेंसिटिविटी टेस्ट होना है तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। एंड थर्ड है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेंसिटिविटी है तो उसके लिए जो टेस्ट हो रहा है उसमें भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग प्यूपेरियम, जो हमने इंडिकेशन पढ़े इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन उसमें हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ा, ड्यूरिंग लेबर पढ़ा और ड्यूरिंग प्यूपेरियम पढ़ा। अब हम देख लेते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं। कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है ग्रांड मल्टी पैरा। ग्रांड मल्टी पैरा का मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल की दो बार से अधिक बार डिलीवरी हुई है तो उसको हम ग्रांड मल्टी पैरा बोलेंगे। अगर यहीं पे होता ग्रांड पैरा तो ग्रांड पैरा का मतलब होता कि अगर किसी फीमेल की एक बार से अधिक बार डिलीवरी हुई है तो उसको हम ग्रांड पैरा में रखते। अगर यहीं पे होगा प्राइमरी पैरा तो प्राइमरी पैरा का मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल की पहली बार डिलीवरी हो रही है तो उसको हम प्राइमरी पैरा में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे है ग्रांड मल्टी पैरा, ग्रांड भी है मल्टी भी है, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है उसकी जो डिलीवरी है वो दो बार से अधिक बार हो चुकी है। तो अगर ग्रांड मल्टी पैरा है फीमेल तो वहां पे हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं देंगे। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस समय भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज नहीं करेंगे। थर्ड है माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी का प्रेजेंटेशन सिफेलिक के अलावा कोई और है तो उसको हम माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो उस समय भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फोर्थ कंट्राइंडिकेशन है हार्ट डिजीज, अगर फीमेल को एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज है तो वहां पे भी हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं देंगे। एंड फिफ्थ है
फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो भी ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं देंगे। एंड सिक्स है प्री हिस्ट्री ऑफ सीएस, अगर जो फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, अगर उसका पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, उसकी प्री हिस्ट्री सिजेरियन सेक्शन की, तो उस समय भी हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं देंगे। अब हम देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, अगर आप कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, मतलब जो यूट्रस है वो बहुत ज्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट है यूटराइन वॉल रप्चर, जो यूटराइन वॉल है वो रप्चर हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट है फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है फीटल डेथ, मतलब फीटल डेथ भी हो सकती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। एंड फिफ्थ पॉइंट है हाइपोटेंशन। एंड सिक्स पॉइंट है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन क्यों होगी? एक्चुअली जब जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन एक एंटी डायूरेटिक का भी वर्क करता है, तो जब हम हाई कंसंट्रेशन लेवल पे ऑक्सीटोसिन ड्रिप किसी फीमेल को देते हैं तो फीमेल की बॉडी में वाटर टॉक्सिकेशन के साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया, सीजर एंड कंफ्यूजन, ये सिम्टम देखे जाते हैं। तो जो फीमेल्स होती है अगर उसको ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो मे भी ये कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी बर्थ अटेंडेंट्स है या फिर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जब भी वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप दे रही है तो उस समय जो अगर इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको दिखाई दे रहे हैं तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कॉम्प्लिकेशन, अब हम देख लेते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑक्सीटोसिन है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, मतलब इसको हम कैसे देंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है उसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हैं, मतलब कभी भी अगर हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो इसको हम आरएल, मतलब रिंगल लैक्टेट, या फिर नॉर्मल सलाइन के साथ डायलूट करके ही देते हैं, हम ओनली ऑक्सीटोसिन कभी नहीं देते हैं। तो जो आरएल या फिर एनएस होता है ये 500 ml की बॉटल में अवेलेबल होता है। और जब हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जो पैटर्न होता है, स्टार्टिंग पैटर्न, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लीजिए आरएल लेते हैं 500 ml, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं 1 unit ऑक्सीटोसिन और इसको हम देते हैं 15 drops per minute। पहली बार स्टार्टिंग पैटर्न में जब हम ऑक्सीटोसिन देंगे तो उस समय हम आरएल 500 ml लेंगे और उसमें 1 unit ऑक्सीटोसिन डालेंगे और जो ड्रॉप फैक्टर होगा वो 15 drops per minute होगा। स्टार्टिंग पैटर्न में हमेशा हम ऐसे ही ऑक्सीटोसिन को देते हैं, हमेशा लो कंसंट्रेशन लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने हाई कंसंट्रेशन लेवल से स्टार्ट किया तो जो अभी हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़े, जैसे यूट्राइन रप्चर हो सकता है या फिर जो यूट्रस है वो हाई स्टिमुलेट हो सकता है, तो इसलिए हमेशा ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप होती है उसको लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 15 drops per minute देंगे और 20 मिनट तक इसको हम असिस्ट करेंगे, अगर 20 मिनट तक असिस्ट करने के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो फिर हम जो ड्रॉप फैक्टर है इसको बढ़ा के 30 drops per minute कर देंगे। 30 drops per minute करने के बाद फिर हम 20 मिनट तक असिस्ट करेंगे। 20 मिनट तक असिस्ट करने के बाद भी अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर ड्रॉप फैक्टर बढ़ा के हम 60 drops per minute कर देंगे और उसके बाद फिर 20 मिनट तक हम असिस्ट करेंगे। अगर 20 मिनट तक असिस्ट कर, अगर 60 drops per minute ऑक्सीटोसिन ड्रिप देने के बाद 20 मिनट तक हमने असिस्ट किया और फिर भी कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अब हम ड्रॉप फैक्टर बंद करके जो ऑक्सीटोसिन की डोज होती है इसको बढ़ाएंगे, मतलब अब ड्रॉप फैक्टर नहीं बढ़ाएंगे बल्कि ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप है उसको हम उसकी डोज बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो हम 1 unit दे रहे थे इसको हम
टू यूनिट कर देंगे, आरएल लेंगे 500 एमएल और उसमें टू यूनिट हम ऑक्सीटोसिन देंगे और फिर स्टार्टिंग पैटर्न से यही जो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट फैक्टर वाला फॉर्मूला बताया इसी तरह से फिर हम उसको देंगे। अगर इसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, कोई जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो जो यूनिट है ऑक्सीटोसिन की इसको हम टू की जगह पे 8 यूनिट ऑक्सीटोसिन कर देंगे। और फिर इसके बाद हम जो फीमेल है और जो फीटस है उन दोनों का असेसमेंट करेंगे। जैसे अगर फीमेल है तो उसका वाइटल साइन हम एवरी 20 मिनट या 30 मिनट पे रेगुलर चेक करते रहेंगे। जो फीटस है उसका फीटल हार्ट रेट भी एवरी 30 मिनट में चेक करते रहेंगे। जब भी हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप देते हैं तो हमेशा जो फीमेल्स होती है उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन और रेगुलर जो इंटरवल्स होते हैं उनको असेस करते हैं, काउंट करते हैं। जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप होती है इसको हमेशा आईवी दिया जाता है, विदाउट डायलूट किए नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप होती है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम हाई कंसंट्रेशन लेवल से स्टार्ट करते हैं तो जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताए वो देख सकते हैं, अदरवाइज जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेयर ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ऑक्सीटोसिन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा ऑक्सीटोसिस ग्रुप का मेडिकेशन है अर्गो डेरिवेटिव उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अर्गोन डेरिवेटिव के बारे में, अर्गोन डेरिवेटिव्स देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन है वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे जो अर्गोन डेरिवेटिव है इसका जो मेन फंक्शन है वो है यूट्राइन ब्रीडिंग को स्टॉप करना, यूट्राइन ब्रीडिंग को स्टॉप करना। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको साफ दिख रहा है कि ऑक्सीटोसिन है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, जो अर्गो डेरिवेटिव है इसको किस लिए यूज करते हैं। तो जो अर्गो डेरिवेटिव है इसको हम यूट्राइन ब्रीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। किस समय करते हैं, देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको हम ड्यूरिंग लेबर करते हैं, लेकिन अर्गो डेरिवेटिव को हम आफ्टर लेबर करते हैं, मतलब जब लेबर प्रोसेस समाप्त हो जाता है, मतलब एक्सपल्सन हो जाता है बेबी का, प्लासेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है, तो उसके बाद ही हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। या फिर जो बेबी है उसका एक्सपल्सन हो चुका है, प्लासेंटा का एक्सपल्सन होने वाला है, तो उस समय भी हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब बेबी का एक्सपल्सन हो जाता है तो उसके बाद जो यूट्रस है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, जिसको हम यूट्राइन साइनस बोलते हैं। तो जब यूट्रस पूरी तरह से खाली हो जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसी वजह से रुक जाए या फिर जो यूट्रस है वो एटोनिक हो जाए तो ब्लीडिंग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यू चलता रहे और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हाई फ्रिक्वेंसी में हो, जिसकी वजह से जो यूट्रस है जो उसके लेयर्स है उसको रिलैक्स करने का टाइम ही ना मिले। अगर यूट्रस की मसल्स रिलैक्स नहीं होंगी तो जो यूट्रस की ब्लीडिंग है वो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगी। देखिए जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर होती है, मायोमेट्रियम इसको मसल्स लेयर कहते हैं, तो अधिकतर जो ब्लड सप्लाई होती है वो मायोमेट्रियम में ही होती है। तो मायोमेट्रियम जो मसल्स होती है उसमें 8 फाइबर्स होते हैं, 8 फाइबर होते हैं। तो जब यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उस समय जो ये फाइबर्स मसल्स होते हैं वो एक तरह से एटोनिक हो जाते हैं। तो जब हम अर्गो डेरिवेटिव देते हैं तो ये जो यूट्राइन मसल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी वर्क करने लगती है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आता है ऐसे ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं ये सभी एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो अर्गो डेरिवेटिव का मेन फंक्शन यही होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको बढ़ा के इतना इंक्रीज कर देता है कि जो यूट्राइन ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन अर्गो डेरिवेटिव को कभी भी हम ड्यूरिंग लेबर यूज नहीं करते हैं, हमेशा आफ्टर लेबर यूज करते हैं, मतलब लेबर हो जाने के बाद यूज करते हैं। तो इसका जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें अर्गोमेट्रिन एंड सेकेंड है मेथार्जिन। देखिए जो अर्गोमेट्रिन है ये इंजेक्शन एंड टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। जो अर्गोमेट्रिन है अगर इसको हम देखें तो ये टैबलेट फॉर्म में एंड इंजेक्शन फॉर्म में
दोनों फॉर्म में मिलता है। टैबलेट फॉर्म में जो इसकी डोज होती है वो 0.5 mg या फिर 1 mg में आती है, और जो इंजेक्शन फॉर्म होता है इसमें 0.2 mg या 0.5 mg के एम्पुल में ये अवेलेबल होता है, जो अर्गोमेट्रिन होता है। वहीं पे जो मिथार्जिन होता है ये भी टैबलेट एंड इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। टैबलेट फॉर्म में जो इसकी डोज होती है 0.5 mg या 1 mg के टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, और अगर इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में 0.2 mg के एम्पुल में ये अवेलेबल होता है। देखिए, जो अर्गोमेट्रिन है और मिथार्जिन है इसको हम पेरेंट्री भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। पेरेंट्रल का मतलब होता है कि आईवी या आईएम दे सकते हैं, और साथ ही इसको हम ओरल भी दे सकते हैं। जो रूट हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, हम उसी रूट को फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अर्गो डेरिवेटिव का सिंथेटिक प्रिपरेशन। अब हम देख लेते हैं इसके इंडिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद जो यूट्राइन ब्लीडिंग है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिलीवरी के बाद क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को अर्गो डेरिवेटिव देते हैं। एंड सेकेंड है फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर एबॉर्शन लेबर एक्सपल्सन ऑफ हाइड्राटिडी फ्रॉम मोल, मतलब अगर जो फीमेल्स है उसका एबॉर्शन हुआ है या फिर उसकी डिलीवरी हुई है या फिर उसका हाइड्राटिडी फ्रॉम मोल का एक्सपल्सन हुआ है, उसके बाद जो ब्लीडिंग होने वाली है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिकेशन दिखा रहा है जिसमें हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करते हैं। बस इसका मेन फंक्शन आप याद रखिए कि हमेशा ये यूट्राइन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ही दिया जाता है। बस इतना याद रखिए कि ये हमेशा लेबर प्रोसेस के बाद दिया जाता है, या फिर अगर एबॉर्शन है तो एबॉर्शन के बाद दिया जाता है, या फिर अगर एक्सपल्सन हो रहा है हाइड्रेटेड फ्रॉम मोल का तो उसके बाद दिया जाता है। इसको कभी भी लेबर के पहले या ड्यूरिंग लेबर नहीं देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन में क्लियर हो जाएगा कि कहां पे हमको जो अर्गो डेरिवेटिव है उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो कंट्राइंडिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग ट्विंस प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग ट्विंस प्रेगनेंसी क्यों कह रहा है? एक्चुअली ड्यूरिंग ट्विंस प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर दो बेबी है, जुड़वा बच्चे हैं, तो अगर एक बेबी की डिलीवरी हो गई है तो उसके बाद हमको अर्गो डेरिवेटिव नहीं यूज करना चाहिए, जब तक दोनों बेबी की डिलीवरी ना हो जाए तब तक। चूंकि हमने पहले ही बताया था कि लेबर के बाद ही हम इसको यूज करते हैं, तो अगर एक बेबी की डिलीवरी हुई है तो भी हम उसको कंप्लीट लेबर नहीं कहेंगे, चूंकि अभी एक बेबी की डिलीवरी होनी बाकी है, चूंकि यहाँ पे हम ट्विंस प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो जब दोनों बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही हम अर्गो डेरिवेटिव का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ बोला है ड्यूरिंग ट्विंस प्रेगनेंसी, मतलब तो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उस समय अर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड है प्रीक्लैम्प्सिया। अगर प्रीक्लैम्प्सिया है तो उस समय भी अर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, या फिर इक्लैम्प्सिया। अगर इक्लैम्प्सिया है तो उस समय भी जो अर्गो डेरिवेटिव है इसका यूज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड है हार्ट डिजीज। अगर जो फीमेल है उसको किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज है तो वहां पे भी अर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। फोर्थ है फीमेल्स आर आरएच नेगेटिव। जो फीमेल्स है अगर वो आरएच नेगेटिव है तो उस समय भी अर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है एक्सपल्सन ऑफ एंटीरियर शोल्डर, मतलब जो बेबी है उसका अगर एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हुई है
तो उस समय भी आर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब जब तक बेबी के दोनों शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हमको आर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। यहाँ पे यही बात कह रहा है एक्सपल्सन ऑफ एंटीरियर शोल्डर, मतलब अगर एंटीरियर शोल्डर का एक्सपल्सन हो चुका है, वो स्कैप हो चुका है, तो उसके बाद भी हमको जो आर्गो डेरिवेटिव है उसका यूज नहीं करना है जब तक पूरी तरह से बेबी स्कैप ना हो जाए। तो यहाँ पे ये कंट्राइंडिकेशन है, मतलब अगर इसमें से कोई भी कंडीशन है तो वहां पे हम आर्गो डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अर्गो डेरिवेटिव से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ पे अर्गो डेरिवेटिव का कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट है इसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्यों होगा? एक्चुअली जो अर्गो डेरिवेटिव होता है ये एक वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर का भी वर्क करता है। मीन्स जब हम अर्गो डेरिवेटिव किसी फीमेल्स को देते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट होती है। तो जब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को नहीं मिल पाएगा। और इसकी वजह से MI तो होगा ही, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी होगा, हाइपरटेंशन। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम अर्गो डेरिवेटिव देते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं। और इसीलिए जो फीमेल्स होती है उसको हमेशा हम अंडर सुपरविजन रखते हैं। एंड सेकेंड इसमें कॉम्प्लिकेशन है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लैक्टेशन, मतलब जब लैक्टेशन फीमेल करवा रही है, लेबर के बाद जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, लैक्टेशन करवाएगी, तो मे भी जो अर्गो डेरिवेटिव है इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लैक्टेशन करवाने में। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये अर्गो डेरिवेटिव्स में देखे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी हम अर्गो डेरिवेटिव देते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए हमको जो भी इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है वो करने चाहिए। तो अर्गो डेरिवेटिव को हमेशा जब भी हम देंगे तो जो फीमेल है और उसका जो बेबी है, मतलब मदर एंड फीटस दोनों के हमको हमेशा उनकी कंडीशन को असेस करते रहना है। मतलब जो फीमेल है उसका वाइटल साइन और जो फीटस है उसका भी फीटल हार्ट रेट हमेशा हमको मेजर करते रहना है जब भी हम अर्गो डेरिवेटिव देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हम देख ही रहेंगे क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तो हमने ऑक्सीटोसिन कंप्लीट कर लिया और अर्गो डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, जो हमारा लास्ट मेडिसिन है ऑक्सीटोसिस ग्रुप का। थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, इसका बहुत ही बड़े लेवल पे यूज किया जाता है ऑब्स्टेट्रिक में। एक्चुअली जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टेबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, वजाइनल सपोजिटरी फॉर्म में, वजाइनल पेस्ट्री फॉर्म में, सभी फॉर्म में अवेलेबल है। इसीलिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके इंडिकेशन, जिससे हम जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, मतलब जो एबॉर्शन का प्रोसेस है उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं। ये हम इंडिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो इंडिकेशन में यही चीज हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड है राइपिंग ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है डिलीवरी के लिए या फिर एबॉर्शन के लिए, तो उस समय हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं, जिससे जो सर्विक्स है उसको प्रिपेयर किया जा सके बेबी को स्केप करने के लिए या फिर जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसके एक्सपल्सन के लिए। एंड थर्ड पॉइंट है एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। अगर हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है तो उसके एक्सपल्सन के लिए भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं। एंड फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ PPH, मतलब जो PPH है पोस्ट पार्टम हेमरेज है, उसके मैनेजमेंट में भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंडिकेशन में मेनली फोर पॉइंट है, मतलब अगर एबॉर्शन है
तो उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज कर सकते हैं। अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है स्केप के लिए, बेबी के स्केप के लिए, तो उस समय हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज कर सकते हैं। अगर हाइड्रेटेड फॉर्मोल का एक्सपल्शन होना है तो उस समय हम कर सकते हैं, या फिर पीपीएच का अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस समय हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया इंडिकेशन, अब हम देख लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन, क्योंकि इंडिकेशन के साथ साथ कंट्राइंडिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार, अगर यूट्राइन स्कार प्रेजेंट है तो उस समय भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं करेंगे। तो दो ये कंट्राइंडिकेशन है जिसमें हम, अगर ये दोनों कंडीशन है तो वहां पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया कंट्राइंडिकेशन। अब हम जान लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं तो उस समय। फर्स्ट है इसमें नोजिया एंड ओंटिंग, जो फीमेल है उसको मे बी नोजिया एंड ओंटिंग हो सकता है। सेकेंड है डायरिया हो सकता है। थर्ड है फीवर विद हेडक, मतलब हेडक के साथ जो फीमेल है उसको फीवर आ सकते हैं। एंड फोर्थ है ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम किसी फीमेल को प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं, तो मे भी उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फीवर भी हेडक हो सकता है, ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका सिंथेटिक प्रिपरेशन क्या क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया इंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन। अब अगर हम पढ़ लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेटिक प्रिपरेशन के बारे में तो हम जान पाएंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है और किस लिए होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के 3 सिंथेटिक प्रिपरेशन है। फर्स्ट है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जिसको मीसोप्रोस्टॉल कहते हैं, मीसोप्रोस्टॉल। एंड सेकेंड है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको डीनोप्रोस्टोल कहते हैं। एंड थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जिसको डीनोप्रोस्ट थ्रोमेथीन कहते हैं। तो ये तो हमने जान लिए कि 3 सिंथेटिक प्रिपरेशन है प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E मींस मीसोप्रोस्टॉल के बारे में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, ये जो E2 हमने पढ़ा या फिर F2 अल्फा पढ़ा, इसकी अकॉर्डिंग में ये बहुत ही सस्ता होता है, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस बहुत ही कम होती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, इसीलिए इसको अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। इसका जो रूट होता है ओरल दे सकते हैं, वजाइनल रूट से दे सकते हैं या फिर रेक्टम रूट से दे सकते हैं। तो ये ओरल, वजाइनल या फिर रेक्टम रूट से दिया जा सकता है। और ये देते किस लिए है, इसके यूजेज क्या है, तो मेन इसका जो यूज है वो है राइपिंग ऑफ सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मीसोप्रोस्टॉल है उसको यूज करते हैं। अगर जब भी किसी फीमेल का एबॉर्शन होना है या फिर जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको आउट करना है, तो उस समय जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है अगर हम उसका यूज करते हैं तो उसके द्वारा जो सर्विक्स होती है उसको हम फेवरेबल कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो आसानी से बाहर आ सके। तो यहाँ पे दिया गया है राइपिंग ऑफ सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स है उसको प्रिपेयर करने के लिए, राइप करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको बोलते हैं डीनोप्रोस्टॉन,
जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है इसका यूज भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब ये कॉस्टली होता है और इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसको यूज इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सभी फॉर्म में अवेलेबल होता है। मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, जेल फॉर्म में, वजाइनल सपोजिटरी फॉर्म में, वजाइनल पेसरी फॉर्म में, सभी फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर टैबलेट फॉर्म में देखें तो ये 0.5 mg की डोज में अवेलेबल होता है। अगर इंजेक्शन फॉर्म में देखें तो 1 mg प्रति ml के एम्पुल में अवेलेबल होता है। अगर जेल फॉर्म में देखें 15 ग्राम के ट्यूब में अवेलेबल होता है। अगर वजाइनल सपोजिटरी में देखें तो ये 20 mg की डोज में अवेलेबल होता है। अगर वजाइनल पेशी में देखें तो ये 3 mg की डोज में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये टैबलेट, इंजेक्शन, जेल, वजाइनल सपोजिटरी या फिर वजाइनल पेशी सभी फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए इसका यूज ज्यादा होता है टॉक्सिक इफेक्ट अधिक होने के बावजूद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोस्टा ग्लैंडलिन F2 अल्फा, जिसको बोलते हैं डीनो प्रोस्ट थ्रोमेथा मीन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है इसका भी यूज जो सर्विक्स होती है उसके रैप के लिए किया जाता है। और ये वजाइनल सपोजिटरी एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देख लिया आपने कि जो ऑक्सीटोसिन है वो किस लिए यूज हो रहा है, जो अर्गुट डेरिवेटिव है वो किस लिए यूज हो रहा है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो किस लिए यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है उसको आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।